हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली में 48 लोगों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव, अब तक कुल 809 केस पॉजिटिव, वर्तमान में 199 केस एक्टिव। सोमवार को 18 लोगों को अस्पताल से रिकवरी होने के बाद दी गई छुट्टी। पाली जिले में अब तक 8 लोगों की हो चुकी मृत्यु। पाली जिला कलेक्टर अंशदीप ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि पाली जिले में सोमवार को 48 पॉजिटिव केस आए हैं, जिनमें पाली शहर में 12, पाली ग्रामीण में 6, उपखंड रोहट व देसुरी में 2-2, रायपुर व बाली में 1-1, सुमेरपुर में 14 तथा उपखंड क्षेत्र रानी में 10 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सोमवार को रिकवरी के बाद 18 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इनमें पाली शहर से 5, रोहट उपखंड क्षेत्र से 6, सोजत से 2, रायपुर से 3 एवं बाली व सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र से 1-1 व्यक्ति को रिकवरी के बाद छुट्टी दे दी गई। अब तक कुल 602 व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं, जिनमें से पाली शहर के 168, पाली ग्रामीण के 51, उपखंड रोहट के 49, सोजत के 68, देसुरी के 56, रायपुर के 25, जेतारन के 25, मारवाड़ जंक्शन के 26, बाली के 38, सुमेरपुर के 63 तथा उपखंड रानी के 33 व्यक्ति रिकवरी के बाद स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि जिले में सोमवार को 729 सैंपल लिए गए हैं। अब तक कुल 20,606 सैंपल लिए जा चुके हैं तथा 18,362 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव है। 906 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। उन्होंने बताया कि पाली जिला अस्पताल में 17, सोजत अस्पताल में 9 तथा विभिन्न कोविड केयर सेंटर में 133 मरीज वर्तमान में भर्ती है। कुल लिए गए सैंपल में से 14,069 सैंपल प्रवासियों के हैं। 869 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। जागरूक टीवी के लिए पाली से खास रिपोर्ट।